यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी बेटी का जो सुकन्या समृद्धि योजना का जो अकाउंट है उसमें अब तक कितने रुपए जमा हुए। तो यहाँ पे मैं प्ले स्टोर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ IPPB और उसके बाद इस ऐप को मैं इस प्रकार से ओपन करता हूँ और इसके बाद हमें यहाँ पे मिलता है पोस्ट ऑफिस सर्विस, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद हमें यहाँ पे मिलता है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे अपनी बेटी का जो अकाउंट नंबर और जो IFSC कोड है वो यहाँ पे मैं लगाता हूँ और इसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी बेटी का जो सुकन्या समृद्धि योजना का जो अकाउंट है उसमें अब तक 7,000 रुपये जमा हुए। तो इस प्रकार से आप भी अपनी बेटी का जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है उसमें कितने रुपये जमा हुए वो यहाँ पे देख सकते हैं। इसको देखने के लिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले आपको इस ऐप के अंदर रजिस्टर करना होता है। इस ऐप के अंदर आप किस प्रकार से रजिस्टर कर सकते हैं इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डायरेक्ट वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ में ऊपर आई बटन के अंदर भी वो वीडियो मिल जाएगा जिससे कि आप उस वीडियो को देखकर इस ऐप के अंदर किस प्रकार से अकाउंट बनाना है वो आप इस वीडियो को देखकर अकाउंट बना सकते हैं। फिर आप इस ऐप के अंदर आके आप अपनी बेटी का जो सुकन्या समृद्धि योजना का जो अकाउंट है उसका जो बैलेंस है उसको देखना चाहते हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।